सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्स एनीथिंग। आप सबका स्वागत है इस एक और गर्मा गर्म वीडियो में। जी हाँ, हमने पिछले एक गर्मा गर्म वीडियो बनाया जो कि था एक रूम हीटर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और लास्ट में इन स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में सभी जगह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम फिर से एक काफ़ी हैंडी पोर्टेबल और चीप प्राइस में रूम हीटर लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे कि हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। दोस्तों, यह है हमारा आज का अनबॉक्सिंग यूनिट, जो कि है एक हैंडी पोर्टेबल और काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी पावरफुल रूम हीटर। तो आइए देरी ना करते हुए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा हैंडी रूम हीटर का बॉक्स जिसकी हम अनबॉक्सिंग अब करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर में ही हमारे रूम हीटर का एक पिक्चर बना हुआ है, जहाँ लिखा भी है पावरफुल 400 वाट। जी हाँ दोस्तों, ये 400 वाट का है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये 400 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। यहाँ लिखा है हैंडी हीटर, अभी पोर्टेबल सा साइज़ है, आप इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ऊपर में मेंशन किया गया है द वॉल आउटलेट स्पेस हीटर, आप इस पर किसी बिजली सॉकेट में डायरेक्टली लगा सकते हैं और ऑन कर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्पेस सेविंग डिज़ाइन। जी हाँ, काफ़ी छोटा सा ये रूम हीटर है जो काफ़ी स्पेस सेव करता है। एडजस्ट थर्मोस्टेट, और इसमें 12 घंटों तक की टाइमर दिए गए हैं, जिसे हम ऑटोमेटिक कटआउट होने के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे इसके फीचर्स जो हैं यहाँ सामने में मेंशन किए गए हैं। यहाँ नीचे मेंशन किया गया है क्विक एंड इजी हीट एनीवेयर। जी हाँ दोस्तों, हम इसे कहीं भी अपने दीवार में बिजली के सॉकेट में लगाकर आसानी से ऑन करके हीट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉक्स के साइड में मेंशन किया गया है कि हम इसे कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम, लिविंग रूम, गराज, ऑफिस एसेट्रा, काफ़ी जगह इसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी मेंशन की गई है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। हमारे बॉक्स की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ख़राब हालत कर दी यार बॉक्स की। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए हैं दोस्तों। ओपन करते ही हमें हमारा एक्चुअल रूम हीटर एक पॉलीथीन में पैक मिलता है। इसके अलावा हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता, ये बॉक्स पूरा खाली है। अब आते हैं अपना एक्चुअल रूम हीटर में। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी हैंडी, काफ़ी स्मॉल साइज़ का पावरफुल ये रूम हीटर है। सामने में इसकी हीटिंग कॉयल दी गई है, इसके ऊपर में एक सेफ्टी ग्रिल दिया गया है जिससे हमारा हाथ इस गर्म कॉयल में ना पड़ जाए। यहाँ साइड में इसका ऑन ऑफ बटन दिया गया है, जिससे हम इसे ऑन या ऑफ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पीछे देखने पर दीवार के सॉकेट में माउंट करने के हमें एक प्लग दिखाई देता है, जिसे हम 360 डिग्री रोटेट करके भी माउंट कर सकते हैं। इसको रोटेट करने के लिए इस बटन को हमें प्रेस करने पड़ेगा, जिससे ये रिलीज़ हो जाएगा और इसे हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं। और जैसे हम इस बटन को छोड़ते हैं, ये लॉक हो जाता है। यहाँ नीचे इसके पावर और वोल्टेज के बारे में बताया गया है। यहाँ ऊपर हम देखते हैं तो इसमें कुछ बटन्स दिए गए हैं और एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होंगे। यहाँ एक स्पीड का बटन दिया गया है, जिससे हम विंड की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। यहाँ एक टाइमर दिया गया है, जिससे हम 1 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का कोई भी टाइमर लगाकर इसे छोड़ सकते हैं और उस टाइमर में ये बंद हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस बटन दिए गए हैं, जो कि हीटिंग को एडजस्ट करेंगे कि कितना हीट ये प्रोड्यूस करे। दोस्तों, इस रूम हीटर के नीचे में अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हमें एक मोटर के ब्लेड्स दिखते हैं, जो कि बाहर की एयर को अंदर खींचते हैं। उसके बाद इस हीटिंग कॉइल से क्रॉस होकर वे हवा गर्म होकर बाहर निकलती है। यही इसका वर्किंग मेथड है। दोस्तों, इस रूम हीटर के सारे फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए। अब हम इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। इसे पावर देने के लिए मैंने एक पावर सॉकेट ले आया है, इसमें मैं इसे प्लग इन करूंगा और इसे ऑन करेंगे। दोस्तों, मैंने इसे पावर सॉकेट से माउंट कर दिया है। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा। दोस्तों, स्विच को ऑन करते ही ये कुछ आवाज़ करता है और ऑन हो चुका है। ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये रॉड इतना गर्म नहीं हुआ कि रेड हो गया। अंदर में एक LED लगा है रेड कलर का, जो कि ग्लो कर रहा है। मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ की हॉट एयर आना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छी हीट देना स्टार्ट कर देगा। मैं फील कर सकता हूँ काफ़ी हॉट एयर ये हमें दे रहा है। दोस्तों, हम इसे इस तरह से रख नहीं सकते क्योंकि नीचे से ये एयर सक करती है। कुछ टाइम बाद काफ़ी हीट ये जनरेट कर रहा है। दोस्तों, ऑन करने के बाद इस बटन को एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये विंड की स्पीड को लो और हाई करता है। यहाँ से हम 1 घंटे, 2 घंटे या कितने भी घंटों का टाइमर अपने सेट कर सकते हैं।
यहाँ से हम टेम्परेचर को प्लस माइनस करके घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी 25 है, माइनस प्रेस करने पर यह लगातार कम हो रहा है और प्लस प्रेस करने पर यह लगातार बढ़ रहा है। ऐसे करके हम इसे 32 तक ले जा सकते हैं और इसे मिनिमम 15 तक ले जा सकते हैं। दोस्तों कुछ टाइम बाद काफी हीट देना स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों ये रूम हीटर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी कम वोल्ट वाला 400 वोल्ट का काफ़ी पोर्टेबल सा रूम हीटर है, क्योंकि बहुत बड़े रूम को तो हीट नहीं कर पाएगा, बट छोटे रूम को हीट करना या अपने हाथों पैर को गर्म करना उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं ये छोटे रूम को गर्म करने के लिए। ज़्यादा बड़े रूम या हॉल को आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ये नहीं कर पाएगा, ये काफ़ी छोटा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमें आगे सब्सक्राइब कर रखें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।